मेहर और बल्लू, अगर आपको हमारी आवाज सुनाई दे रही है तो स्टेज के पास आ जाइए। मेहर, बल्लू, चलो बालवीर आ गया है तो बल्लू और मेहर भी आ जाएंगे। रुक जाइए, कृपया करके आप सब मेरे लिए तालियां मत बजाइए। तो तुम्हें पता चल गया है कि मेहर और बल्लू यहाँ पर नहीं है, पर तुम थोड़ी देर रुक जाओ बालवीर, वो दोनों जरूर आ जाएंगे। नहीं सर, बल्लू आएगा लेकिन मेहर नहीं आएगी। मेहर नहीं आएगी मतलब? बालवीर, मेहर को तो तुम ही लेकर आओगे ना, वो शायद तुम्हें ही बुलाने गई होगी। वो कभी नहीं आएगी। कभी नहीं आएगी। कभी नहीं है ये मतलब? हाँ बालवीर, साफ साफ बताओ क्या बात है, कहाँ है मेहर? हाँ, मेहर अब हमारे साथ नहीं है, वो हमारे पास कभी नहीं आएगी। तुम क्या कह रहे हो बालवीर, क्या हुआ है मेहर को? हाँ बोलो बालवीर, मेहर ठीक तो है ना? नहीं, वो ठीक नहीं, वो ठीक नहीं। मेहर मेरे सामने ही थी, फिर भी मैं उसे खाई में गिरने से बचा नहीं पाया। नहीं, मैं नहीं मानती, तुम झूठ बोल रहे हो ना? तुम्हारे होते हुए मेहर को कैसे कुछ हो सकता है? बालवीर, मैं वही कह रहा हूँ जो सच, और मुझसे जो गलती हुई है उसका कसूरवार भी मैं ही हूँ। मेहर मेरी गलती की वजह से काय में गिर गया। मेरी गलती कि मैंने मेहर को किसी सुरक्षित स्थान पर खड़ा नहीं किया। मैं जानता हूं मुझसे जो गलती हुई है उसके लिए मुझे माफी नहीं मिल सकती, लेकिन फिर अगर आप सबसे हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैं आप सबसे माफी मांगता हूं कि आपका बालवीर मेहर को नहीं बचा पाया। अरे होती है क्या, जिद हो रहा है उसका एहसास मुझे आज पहली बार। ए परी भयंकर, सीखी? अरे सीखी है कुछ इस छल परी से? अरे है क्या, उन्होंने एक ही वार में एक ही तीर से दो शिकार, आपकी तरह नहीं जिसके है गए हर वार खाली। अरे खड़ी क्यों है आप? अरे मनाइए खुशियां, कीजिए आतिशबाजियां। हाँ हाँ, तौबा तौबा, आतिशबाजी तो होनी ही चाहिए। होनी ही चाहिए, होनी चाहिए। चल 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 चल। नहीं 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 चल परी,
कीजिए मुझे माफ। अरे अरे परी भयंकर मान गई आप तो बुरा कर रहा था मैं तो मजाक। क्या मेरी तारीफ में जो गीत तुम गा रहे थे वो मजाक था? किसकी सजा मिलेगी तुम्हें? अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं। है एक तरफ बुआ और है एक तरफ खाई, ऐसे में तोबा तोबा कहाँ जाई। नहीं चल परी, तोबा तोबा ने तुम्हारी तारीफ में जो भी कहा उससे मैं भी सहमत हूँ। वाकई कमाल का काम किया है तुम। उस बालवीर की चहेती मेहर को तीर बनाकर जो निशाना तुमने बालवीर पर साधा है वो तो वाकई काबिले तारीफ है। लेकिन होगा क्या सिर्फ तकलीफ देने से? है बालवीर जब तक जीवित तब तक देता ही रहेगा वो आपको तकलीफ। सही कहा तुमने कि बालवीर जीवित है, लेकिन जब तक वो जीवित रहेगा हमेशा दुख भरे गीत ही गाता रहेगा। जब दिल ही टूट गया तो जी के क्या करेंगे। आज के बाद बालवीर यही सोचकर पछताएगा कि वो जीवित क्यों है। उसके अपने ही चहेते उस पर आरोप लगाएंगे। जिन बच्चों ने उसे अपनी सराखों पर बिठा कर रखा था वो अब उन्हीं की नजरों में गिर जाएगा। बेचारा बालवीर कैसे सहेगा ये सब कुछ। बेचारा बालवीर, उसका सम्मान समारोह उसका अपमान समारोह बन गया। अभी जाओ और मेरी बच्ची को वापस लेकर आओ, जाओ। ऐसा नहीं हो सकता। नहीं हो सकता मतलब? मुझे मेरी मेहर वापस चाहिए बालवीर, जाओ और उसे लेकर आओ। मुझे किसी भी हाल में मेरी बच्ची वापस चाहिए। सीता संभालो, संभालो अपने आप को। बालवीर, हम ये मान ही नहीं सकते कि तुम्हारे होते हुए हमारी मेहर को कुछ हो सकता है। बालवीर, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेहरबानी करके जाओ, अभी के अभी जाओ और हमारी हमारी मेहर को लेके आओ। झूठ नहीं है। झूठ है ये सरासर झूठ है। तुम्हें अगर हमारी मेहर को लेने नहीं जाना तो कोई बात नहीं, हमारी मेहर अपने आप चल के आ जाएगी हमारे घर, है ना बापूजी? बालवीर, तुम मजाक कर रहे हो ना, या तो फिर तुम ये सब शायद मेहर को बचाने के लिए कर रहे हो, है ना? माँ पापा, बालवीर मजाक कर रहे हैं और आप लोग भी ना बालवीर की कहानी को सच मान रहे हो। बालवीर तो हमारा बीवी भी है ना बीवी भी? हाँ, ये मजा की है। ये तो बच्चों का बीवी भी है, ये कभी किसी बच्चे को कुछ होने देगा नहीं ना, तो बस ये हमारी मेहर को भी कुछ नहीं होने देगा। बेटा ये मजाक बंद करो, तुम्हारी मजाक की वजह से सबके मुंह देखो, सब लोग दुखी हो गए। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ दादाजी। झूठ नहीं बोल रहा हूँ मानो, मेरी गलती की वजह से मैं काय में गिर गई, काय में गिर गई, काय में गिर गई, मैं उसे बचा नहीं पाया, बचा नहीं पाया। तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये खबर तो किसी और के साथ भी तुम भिजवा सकते थे ना। तुम जानते हो ना
महर सबसे ज्यादा तुम पर भरोसा करती है, और आज सिर्फ तुमने महर का नहीं हम सबका भरोसा तोड़ा है। तुम्हारी एक गलती की वजह से हम सब लोग सजा भुगत रहे हैं। मैं तुम्हें अपना भाई मानती है, और भाई होने के नाते तुम्हें उसकी रक्षा करनी चाहिए, यही तुम्हारा फर्ज है। कि तुमने ऐसा नहीं किया। अरे तुम मेहर की नहीं, किसी की भी भाई चलाने के लायक ही नहीं हो, किसी की भी नहीं, किसी की भी नहीं। बालवीर, हम तुम्हें अपना दोस्त, अपना बेस्ट फ्रेंड मानते थे बालवीर, लेकिन तुम तो बैड फ्रेंड हो, तुम बैड फ्रेंड हो बालवीर। और आज तुम्हारी ही गलती के वजह से महर हमसे बहुत दूर चली गई है। आज हम में से कोई भी बच्चा तुम्हारा दोस्त नहीं बनेगा। आई हेट यू बालवीर, आई हेट यू। मानो ऐसा मत कहो, मैं कहूंगा, बार बार कहूंगा, आई हेट यू बालवीर। तुम मेरे दोस्त नहीं हो, और ना ही हमारे बीबी भी। आज से हमारी और तुम्हारी दोस्ती खत्म, दोस्ती खत्म। आज तुम्हारी वजह से मेहर खतरे में आ चुकी है, कल हमारे बच्चे भी खतरे में आ सकते हैं। हमें और हमारे बच्चों को तुम्हारी जरूरत नहीं है बालवीर। हाँ हाँ, हमारे बच्चों से अब दूर ही रहना। तुम हीरो थे बालवीर, लेकिन अब तुम विलन हो, विलन। बच्चे अगर तुम्हारे साथ सेफ नहीं है तो तुम्हारे होने का फायदा क्या? बालवीर हाय हाय, 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 बालवीर। मैं जानता हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, और आप सब जो कह रहे हैं वो भी बिल्कुल सही है, लेकिन मैं अपनी गलती को सुधार तो नहीं सकता, इसलिए मैं आप सबसे माफी मांगता हूँ। मुझे माफ कर दो माँ। नहीं माँ, मत बोलना मुझे, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। अगर तुम मेरे बेटे होते तो मुझे खुशियां देते, मेरी आंखों में आंसू नहीं। आज के बाद मुझे कभी माँ मत कहना, कभी नहीं, कभी नहीं। अगर बालवीर कुछ पल और यहां रहा तो इन सब लोगों की कड़वी बातों से वो अंदर ही अंदर टूटकर बिखर जाएगा, और फिर शायद इस सदमे से कभी बाहर ना आ पाए। नहीं, मुझे बालवीर को यहां से ले जाना होगा। बालवीर तो गायब हो गया, देखो। देखा, तू दूसरों को सजा देता था, अब उसे खुद सजा मिलने की बात आई तो भाग गया। डर पो कहीं का। मैं बालवीर हाय हाय, बालवीर हाय हाय, बालवीर हाय हाय, बालवीर हाय हाय, बालवीर हाय हाय। नटखट परी, अब मुझे परीलोक लेकर क्यों आ गई? तो और क्या करती बालवीर? जिस तरह से वो सब तुम्हें भला बुरा कह रहे थे, जब मुझसे वो सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था, तो तुम्हारे दिल पर क्या बीत रही होगी? वो जो कह रहे थे सही कह रहे थे, मेरी वजह से उन्हें कितना दुख पहुंचा है। मैं उनका दोषी हूँ नटखट परी। दोष तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा दोष तब होता
जब तुमने मेहर को बचाने की कोशिश नहीं की होती, लेकिन तुमने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी। बस तुम अपनी उस कोशिश में असफल रहे। लेकिन मेरी असफलता का जो परिणाम निकला है उससे भी तो मैं मुंह नहीं फेर सकता। अगर मेरी सफलता और जीत के लिए मुझे वाह वाह मिलती है तो मेरी असफलता का भी दोषी मैं ही। हाँ, लेकिन जो कुछ भी हुआ उसे रोकना तुम्हारे बस में नहीं था। और बालवीर, तुमने सही किया या गलत इसका फैसला अब सिर्फ रानी परी करेंगे। चलो रानी मैं। नहीं नटखट परी, मैं रानी परी को मिलने से पहले अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ। मैं एक माँ के तो आंसू नहीं पूछ पाया, शायद मैं अपनी दूसरी माँ से दिल की बात कह सकूं, और शायद वो मुझे अपनी गलती का प्रायश्चित करने का कोई रास्ता बता सके। ठीक है बाल, जाओ। ये तो होना ही था, एक छोटे से बच्चे के कंधों पे इतनी बड़ी जिम्मेदारी डाल देंगे तो एक न एक दिन वही जिम्मेदारी उसके लिए बोझ बन जाएगी, और फिर नतीजा वही होगा, वही लापरवाही जो आपसे हुई है। तो क्या आप भी मुझे दोषी समझती है? बालवीर, सवाल ये नहीं है कि आप दोषी है या नहीं, लेकिन बात ये है कि आज आपके वजह से एक परिवार दुखों के सागर में डूब चुका है। आपकी वजह से एक परिवार ने अपना प्रिय सदस्य खो दिया है। मुझे अपनी गलती का एहसास है माँ, और इसीलिए अपने दिल की बात बताने मैं आपके पास आया हूँ। आपके दिल पर जो बोझ है बालवीर, वो सिर्फ आप पर नहीं है, उस बोझ के नीचे आज पूरा परिलोक दब चुका है। आज आपकी गलती की वजह से सिर्फ हमारी ही नहीं बल्कि पूरे परिलोक की आंखें झुक गई है। आपकी एक गलती की वजह से बालवीर, आज एक माँ की आंखों में बेटी से जुदा होने के आंसू हैं, एक पिता मन ही मन रो रहा है, एक भाई अपने बहन से जुदा होने के गम में तड़प रहा है। तो आप ही बताइए कि मैं क्या करूं, क्या करूं कि जिससे मैं उनके आंसू पोंछ सकूं, उन्हें हंसता हुआ देख सकूं, उनके चेहरे पर खुशी देख सकूं। और इसके लिए आप जो भी कहेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूं। बालवीर, जिस तरह से कमान से निकला हुआ तीर वापस मोड़ा नहीं जा सकता, वैसे ही आंख से निकले हुए आंसू सिमटे नहीं जा सकते। आपने गलती की है तो इसकी आपको सजा भी मिलनी चाहिए। तो ठीक है मैं, मुझे ये सजा मिलनी चाहिए, लेकिन कि मेरे लिए इससे बड़ी सजा क्या हो सकती है कि आज मेरी दोनों माओ ने मुझसे मुंह फेर लिया है। लेकिन मेरी आपसे एक विनती है मां, कि आप चाहे मुझे कोई भी सजा दे लेकिन अपने बालवीर से ऐसे मुंह तो मत फेरिए, वरना आपका बालवीर एकदम अकेला और कमजोर हो जाएगा। मां,